बहुत समय पहले किसी नगर में राधा और किशन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। शादी के कई साल के बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों हमेशा उदास रहते थे। फिर एक दिन गांव का एक आदमी उन्हें बताता है कि दूर गांव से जंगल में एक चांदी का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर सोने की जादुई गाय रहती है। वह गाय बहुत ही शक्तिशाली है और सभी की मनोकामना पूरी कर देती है। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन राधा और किशन दोनों जादुई गाय से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वह दोनों पति पत्नी वह जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने चांदी का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। अरे वाह, आखिरकार हमें चांदी का पेड़ मिल गया, चलो दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों देखते हैं कि पास की झाड़ी के पीछे एक राक्षस लेटा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था। अरे वो देखो, एक राक्षस झाड़ियों के पीछे लेटा है, लगता है उसे बहुत तकलीफ है, चलो चलकर उससे बात करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत बीमार हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। राक्षस की बुरी हालत पर दोनों पति पत्नी को बहुत दुख होता है और वे दोनों उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी पेड़ से ढेर सारे फल तोड़कर राक्षस के सामने रख देते हैं। देखते ही देखते राक्षस सारे फल खा लेता है। मुझे और भूख लगी है, मुझे और फल चाहिए। आसपास के पेड़ों पर मौजूद सारे फल हमने तोड़ लिए हैं, हमें फलों की तलाश के लिए आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी जंगल में भटकने लगते हैं। काफी देर भटकने के बाद उन्हें फल के कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। उसके बाद वे दोनों पेड़ से फल तोड़कर राक्षस के पास ले जाते हैं। इस सारे काम में दोनों पति पत्नी बुरी तरह थक चुके थे। राक्षस फिर से सारे फल खा लेता है, लेकिन अगले ही पल राक्षस एक चांद के रूप में बदल जाता है। यह देख दोनों पति पत्नी को बड़ी हैरानी होती है। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, तुम दोनों बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो, इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम दोनों को क्या चाहिए? हम दोनों की कोई संतान नहीं है, लोगों का कहना है कि चांदी के पेड़ के अंदर एक जादुई गाय रहती है, वह सबकी इच्छा पूरी कर देती है। हाँ, वो जादुई गाय मेरी है। उसके बाद चांद जादुई गाय किशन के हवाले कर देता है। इस गाय को तुम अपने साथ ले जाओ, जब भी तुम किसी परेशानी में फंस जाओ तो आंखें बंद करके गाय को याद कर लेना, जादुई गाय फौरन तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हो जाएगी। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वह दोनों जादुई गाय को अपने घर ले जाते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, हमें संतान का सुख दे दो। किशन के इतना कहते ही अचानक गाय के मुँह से दो सुनहरे आम बाहर निकल आते हैं। सुनो राधा, तुम इन दोनों आम को खा लो। उसके बाद राधा दोनों आम को खा लेती है। फिर ठीक 9 महीने बाद राधा दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दे देती है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ दोनों लड़कियां जवान हो जाती है। फिर आखिरकार कुछ समय बाद किशन अपनी दोनों बेटियों की शादी दो भाइयों से करवा देता है, लेकिन दोनों बहनों में जरा भी नहीं बनती थी। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती थी। दोनों बहनें हमेशा पैसों के मामले को लेकर आपस की दुश्मन बन जाती थी। फिर एक दिन दोनों बहनें अपने घर का बंटवारा कर लेती है। किशन की बेटी कोमल एक मिठाई की दुकान खोलकर अपने पति के साथ उसे चलाने लगती है, लेकिन किशन की दूसरी बेटी दिव्या को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और एक रात वो अपने पति के साथ मिलकर मिठाई की दुकान में आग लगा देती है। लगता है हमारी मिठाई की दुकान में दिव्या और तुम्हारे भाई ने आग लगाई है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ दिव्या अपने पति के साथ मिलकर एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। यह देख कोमल और उसके पति को बहुत जलन होती है। फिर एक रात चुपके से वे दोनों भी कपड़े की दुकान में आग लगा देते हैं। अरे नहीं, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, मेरी बहन ने ही मेरी दुकान में आग लगाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दिव्या अपने पति के साथ मिलकर कोमल के घर पहुंच जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ाई करना शुरू कर देती है। तूने मेरे सारे कपड़े जला दिए, तेरी वजह से मेरी दुकान बर्बाद हो गई, मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी कोमल दिव्या को जमीन पर पटक देती है। तूने भी तो मेरी मिठाई की दुकान में आग लगाई थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक किशन अपनी पत्नी के साथ वहाँ आ जाता है। दोनों बहनों को इस तरह लड़ते देख किशन और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है।
अरे ये क्या, तुम दोनों बहनें इस तरह क्यों लड़ रही हो? दोनों बहनें किशन और राधा को सारी बात बता देती है। हमने सोचा था हमारी दोनों बेटियां ससुराल में मिलजुल कर रहेंगी, लेकिन ये दोनों तो दुश्मन की तरह लड़ाई कर रही है। लगता है हमारी दोनों बेटियों में जरा भी नहीं बनती। मुझे इन दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। उसके बाद किशन अपनी आंखें बंद करके जादुई गाय को याद करने लगता है और अगले ही पल जादुई गाय हवा में उड़ते हुए वहां आ जाती है। किशन जादुई गाय को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो किशन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादुई गाय अपनी शक्ति से वहां पर दो सुंदर बड़े जूते प्रकट कर देती है। चलो तुम दोनों एक एक जूते के ऊपर बैठ जाओ और रेस लगाना शुरू करो। जो बहन जीतेगी उसी का हुक्म माना जाएगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? दोनों बहनें इस बात पर राजी हो जाती है। तुम दोनों को गांव के पास वाली नदी के किनारे तक पहुंचना होगा। उसके बाद दोनों बहनें एक एक जूते के ऊपर बैठ जाती है और अगले ही पल उन दोनों के इशारा करते ही दोनों जूते तेजी से दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जादुई गाय अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती है। फिर वह किशन और राधा के साथ साथ दोनों बहनों के पतियों को भी अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ने लगती है। आसमान में वह चारों सारा नजारा देख रहे थे। दोनों बहनें तेजी से जूतों को दौड़ाते हुए जीतने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक कोमल पेड़ से टकरा जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। कोमल दर्द के मारे रोना शुरू कर देती है। अगले ही पल वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है। बड़े दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन यह देख दिव्या रुक जाती है। अरे नहीं, मेरी बहन की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद दिव्या पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाकर राक्षस के ऊपर वार करने लगती है। मेरी बहन को कोई नहीं मार सकता, चल भाग यहाँ से। उसके बाद दिव्या अपनी बहन कोमल को गले लगा लेती है। तभी गाय चारों को लेकर वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ वह राक्षस चांद के रूप में बदल जाता है। दोनों बहनों को गले लगते देख किशन और राधा को बहुत खुशी होती है। क्यों दिव्या, अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। हाँ, तुम दोनों छोटी छोटी बात पर लड़ाई कभी मत किया करो। तुम दोनों को हमेशा मिलजुल कर रहना है। हाँ पिताजी, आज अपनी बहन की जान खतरे में देखकर मुझे एहसास हो गया कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। तुम दोनों के ससुराल में पैसों की कमी है ना, चिंता मत करो, मेरी जादुई गाय तुम दोनों की सारी परेशानी दूर कर देगी। उसके बाद चांद के कहने पर जादुई गाय वहाँ पर जादुई ठंडा शरबत देने वाली जादुई मशीन प्रकट कर देती है। ये मशीन हमेशा तुम्हें जादुई ठंडा शरबत देगी, इसे बेचकर तुम दोनों बहनें ढेर सारे पैसे कमाना। फिर अगले दिन से दोनों बहनें अपने पतियों के साथ मिलकर जादुई ठंडा शरबत बेचना शुरू कर देती है। इससे उनके पैसों की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है और दोनों बहनें मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है।